कुरुक्षेत्र के पंजाबी धर्मशाला में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा की अगुवाई में संपन्न हुई। बैठक में कुरुक्षेत्र जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बैठक में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। इस मौके पर महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व में प्रतिनिधि मौजूद थे। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि महंगाई, किसान आंदोलन और भ्रष्टाचार ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों में आज हरियाणा की जनता जाग चुकी है और आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में जनता सरकार को उसकी गलती का एहसास करा देगी। इस मौके पर अशोक अरोड़ा ने बताया कि कल शनिवार को पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में युवा कांग्रेसी जाट धर्मशाला से साइकिल यात्रा निकालेंगे और बड़ी कीमतें वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से करेंगे। आज धनेश्वर हलके के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, लगातार डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के रेट बढ़ रहे हैं और डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने से सभी चीज़ों के, किराना की चीज़ें, सीमेंट है, सरिया है, हर चीज़ की कीमतें आज बढ़ रही है, आम आदमी बहुत परेशान है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कल साइकिल यात्रा निकालकर प्रदर्शन करेगी। उसके बारे में एक तो मीटिंग बुलाई गई थी और दूसरा, हमारे किसान भाई पिछले 7-8 महीने से लगातार सड़कों पर पड़े हैं। 600 से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों ने उसमें अपनी जान गंवा दी, तो आज की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके हमने केंद्र की सरकार से मांग किया कि तुरंत तीनों काले कानून को रद्द किया जाए और किसान को उनके घर भेजा जाए ताकि वो भी अपना काम धंधा देख सकें। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के यूथ का इलेक्शन की डेट रखी जा चुकी है। हमें सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ें, मेंबरशिप को बढ़ाएँ, गाँव में जाएँ, शहर में जाएँ, ताकि जो यूथ होता है, जो भी युवा इकाई है जो पार्टी की, वो एक, मैं मान के चलता हूँ कि वो नींव होती है किसी भी संगठन की। अगर संगठन की नींव मजबूत होगी तो निश्चित रूप से संगठन मजबूत होगा। और आज जिस प्रकार के हालात हैं, जिस प्रकार का जोश आज आप लोगों ने देखा मीटिंग के अंदर, हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी आए हैं, मुझे लगता है कि इस सरकार से लोग दुखी हैं और निश्चित रूप से बदलाव आएगा और ये सरकार जाएगी। इस मौके पर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष निशी गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। आज हमारी एक मीटिंग थी यहाँ पे, उसमें हमारे जो युवाओं के इलेक्शंस हैं उसके लिए आज मीटिंग बुलाई गई थी कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो आगे आए, कांग्रेस को मजबूत करे। और हम लोगों ने सभी से अनुरोध किया कि हर वार्ड में जाके कम से कम 200 युवाओं को जोड़ा जाए, क्योंकि युवा जो होते हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं। किसी भी अगर इलेक्शन को आपने जीतना है, चाहे वो नगर परिषद का है, चाहे वो सरपंची का है, चाहे वो नगर निगम का है, जो भी इलेक्शन है वो युवाओं के माध्यम से ही जीत सकते हैं। दूसरा ये है कि भी जो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्यक्रम आएगा उस कार्यक्रम के लिए हम सबको कमर कसनी है। और कल हमारे जो युवा हैं वो साइकिल जो है रैली निकालेंगे, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के जो रेट बढ़ गए हैं, बीजेपी सरकार ने अपने टाइम पे, जब कांग्रेस सरकार ने अगर 10 पैसे भी बढ़ाए हैं तो उन्होंने प्रदर्शन किया है, लेकिन अब उन्होंने कम से कम भी 30 से लेकर 40 पैसे रेट बढ़ा दिया है डीजल और पेट्रोल का, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। तो कल हमारे जो कांग्रेस के नेतागण हैं वो सब साइकिलों पे चलेंगे जाट धर्मशाला से, 10 बजे चलेंगे और वो जो है उनकी यात्रा रेलवे स्टेशन पे एंड होगी।